मुझे कांग्रेस का वो स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा, उनके नेताओं की वो बात अच्छी लगी कि हमने जानबूझ करके कमजोर प्रत्याशी लड़ाए हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने फैजाबाद अयोध्या में भी एक कमजोर प्रत्याशी लड़ाया है। मैं उन्हीं की बात को कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं को धन्यवाद दे रहा हूँ। देखिए असद मजदूर वही है जो भारतीय जनता पार्टी हवाई जहाज में बैठा करके कहाँ छोड़ करके आए थे। ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव, मैं अपने डिप्लोमेट अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि जिनके लगातार प्रयास के बाद कम से कम वो आतंकवादी दुनिया में आतंकवादी घोषित हो गया। लेकिन चीन ये बात न भूले, भारत और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग खासकर, अगर भारत को मजबूत होना है तो चीन का भी मुकाबला करना पड़ेगा। ये केवल पाकिस्तान का डर दिखा करके चीन से जो तमाम सवाल हैं, याद कीजिए वो स्वदेशी मामला, मंजे की बात प्रधानमंत्री करते थे, आज सब चीन का सामान बाजार में आ गया, उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये बीजेपी के लोग बहुत सी चीजें भूल गए, तो स्वदेशी वाली बात भी भूल गए। मैं अयोध्या नगरी में हूँ, यहाँ से पैगाम हमेशा शांति का जाना चाहिए, यहाँ से पैगाम हमेशा प्यार मोहब्बत का भाईचारा का जाए, ये मैं चाहता हूँ। और हम तो ऐसे हैं जो भगवान विष्णु को भी मानते हैं, और भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान वेंकटेश और आगे सभी भगवानों को हम मानने वाले लोग हैं, हम सभी देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, हम तुलसी की पूजा करने वाले लोग हैं, हम पीपल के बारे में जो किदवंतियां हैं उनसे भी मानते हैं, हम यहाँ पर पारिजात के पेड़ लगवाए हैं। बताओ मुख्यमंत्री जी ने एक पारिजात का पेड़ लगवाया? लेकिन राम मंदिर कैसे बनेगा? राम मंदिर उसके लिए संविधान है और देश का कानून है, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अगर पढ़ लें और ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने भी वही बात कही है जो समाजवादी और देश की 130 करोड़ जनता कहती है कि हमें संविधान और कानून पर भरोसा है।